बिस्मिल्लाह रहमान रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम एमआईटी ऐप इन्वेंटर का इस्तेमाल करके अमेजिंग प्लेसेस के नाम से एक ऐप बिल्ड करेंगे, जिसकी मदद से आप दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ मकामात जो कि सियाहत के एतबार से पॉपुलर हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर कर सकेंगे और जो यूज़र इस ऐप को यूज़ करेगा वो किसी भी प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन और पिक्स देख सकेगा। आइए देखते हैं कि ये ऐप किस तरह से काम करेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस ऐप के इंटरफेस में टॉप पे सिलेक्ट अ प्लेस का ऑप्शन है। अगर हम इस ऑप्शन या इस लिस्ट पिकर पर क्लिक करते हैं तो एक्चुअली एक लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है जिसमें नारान और कागान दो आइटम्स मौजूद हैं। डेफिनेटली जब आप ऐप बिल्ड करेंगे आप इसमें जितने भी आइटम्स ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो हम लेट्स से इसमें से कागान के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, जो ही हमने कागान के ऑप्शन को सिलेक्ट किया, कागान वैली की एक तस्वीर टॉप पे हमें नज़र आ रही है और नीचे जो टेक्स्ट है वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में ये टेक्स्ट हमें दिया गया है। और इस टेक्स्ट की खास बात यह है कि आप इसे स्क्रॉल कर सकते हैं, आप इसे वर्टिकली स्क्रॉल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए इस ऐप को बिल्ड करना शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपनी ऐप का इंटरफेस बिल्ड करते हैं। एक्चुअली इंटरफेस बहुत ही सिंपल है। हमें सबसे पहले अपने लेआउट सेगमेंट में से एक हॉरिजेंटल अरेंजमेंट को सिलेक्ट करना है और अपने कैनवस पर ड्रॉप करना है। डियर स्टूडेंट्स, हमें इसकी विड्थ को सेट करना है फिल पेरेंट के इक्विवेलेंट, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिक पे है। हम ओके कर देते हैं इसे। और इसकी हाइट चाहिए हमें सिर्फ और सिर्फ 10%, तो हाइट भी हम चेंज करके परसेंटेज में ले लेते हैं और यहाँ पे 10 मेंशन कर देते हैं। लीजिए, हमारी विड्थ और हाइट सेट हो गई है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमें इसकी अलाइनमेंट सेट करनी है। एक्चुअली जो कंटेंट्स हम इसमें इंसर्ट करें, हम चाहते हैं कि वो हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेंटर में अलाइन हो जाएं। लीजिए, हमारी हॉरिजेंटल अरेंजमेंट फाइनलाइज हो गई। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमें चाहिए एक लेबल, तो मैं यूज़र इंटरफेस में जाता हूँ और यहाँ पर लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, इस लेबल को हमने यूज़ करना है एज अ सेपरेटर, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास MIT App Inventor में कोई हॉरिजेंटल रो इंसर्ट करने का ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेकिन लेबल की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले चीज़ ये कि हमें इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक कर देना है और इसकी विड्थ को हम फिल पेरेंट के इक्विवेलेंट कर देते हैं। ओके, और इसकी हाइट को हम चेंज करके सिर्फ 1% के इक्विवेलेंट कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि एक लाइन ड्रॉ हो गई है। अलबत्ता ये जो टेक्स्ट है ये हमें नहीं चाहिए, तो हम इस टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट करके रिमूव कर देते हैं। लीजिए, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें चाहिए एक ऐसा एलिमेंट जो अब तक हमने इस्तेमाल नहीं किया। हम लेआउट में जाते हैं और यहाँ से वर्टिकल स्क्रोल अरेंजमेंट को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, वर्टिकल स्क्रोल अरेंजमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें अगर आप कंपोनेंट्स इंसर्ट करते चले जाएंगे तो इसकी जो हाइट है वो बढ़ती चली जाएगी और आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर इसे वर्टिकली स्क्रॉल कर सकते हैं। तो हमें इसकी विड्थ और हाइट सेट करनी है। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर हमें सेट करना है, तो हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके ब्लैक कर देते हैं। और इसके बाद हमें इसकी विड्थ को सेट करना है फिल पेरेंट के इक्विवेलेंट। ओके, और हमें इसकी हाइट को सेट करना है फिल पेरेंट के इक्विवेलेंट। ओके, इस तरह से आपका वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट आपके स्क्रीन के बाकी तमाम एरिया को कवर कर लेगा। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास टॉप पे हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है, इसका बैकग्राउंड कलर भी हमें चेंज करना है। हमें कोई अच्छा सा कलर यहाँ पर यूज़ करना है, तो हम यहाँ से कस्टम कलर में चले जाते हैं और देखते हैं कि कोई हम कस्टम कलर यहाँ से अगर ब्लूइश कोई शेड यूज़ करें। डन। ओके, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर मुख्तलिफ चॉइसेस सेलेक्ट करने के लिए लिस्ट पिकर का एलिमेंट ऐड करना है, तो हम यूज़र इंटरफेस में जाते हैं और यहाँ से हम लिस्ट पिकर को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। चूँकि हमने अपने इस हॉरिजेंटल अरेंजमेंट की हॉरिजेंटल और वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर की हुई है, आप देखिए इसी वजह से ये बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो गया है। और ये स्टूडेंट्स, इस लिस्ट पिकर की मदद से एक्चुअली जो इस ऐप को यूज़ करने वाले हैं वो डिफरेंट प्लेसेस को सेलेक्ट कर सकेंगे कि कौन सी प्लेस के बारे में वो जानना चाहते हैं। तो आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम सेट कर देते हैं। सबसे पहले तो इसका फॉन्ट साइज हम चेंज करके 14 के बजाय 18 कर देते हैं, ताकि ये बिल्कुल प्रोमिनेंट टेक्स्ट शो करे। इसके बाद हमें इसकी विड्थ और हाइट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसकी शेप को हम सेलेक्ट कर लेते हैं राउंडेड शेप, ताकि ये एक बटन की तरह हमें दिखाई दे। और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम इसके टेक्स्ट को भी चेंज कर देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं सेलेक्ट अ प्लेस। ओके, और इसके बाद ये स्टूडेंट्स, टेक्स्ट अलाइनमेंट हम सेंटर ही रहने देते हैं और टेक्स्ट का कलर अगर हम चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे फिल वक्त ब्लैक ही रहने देता हूं। और यहां पे एक और ऑप्शन है शो फिल्टर बार, हमें इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है, तभी डियर स्टूडेंट्स हम सर्च का ऑप्शन प्रोवाइड कर सकेंगे यूजर्स को कि वो सर्च भी कर सकें मल्टीपल वैल्यूज़ में से। और इस सूरत में डियर स्टूडेंट्स, मैं रिकमेंड करूँगा कि हम डिफ़ॉल्ट कलर को चेंज करके वाइट कर लेते हैं।
अदरवाइज आपको ब्लैक स्क्रीन के ऊपर ब्लैक कलर जो है वो दिखाई नहीं देगा. ओके तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये लिस्ट पिकर भी फाइनलाइज हो गया. अब हमें चाहिए एक इमेज, तो हम यहाँ पे आते हैं अपने यूजर इंटरफेस में और एक इमेज को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं. इस इमेज की विड्थ हमें सेट करनी है फिल पैरेंट के इक्विवेलेंट, और इसकी हाइट हमें जो चाहिए डियर स्टूडेंट्स, हाइट हम कर लेते हैं पिक्सल्स के अंदर, और हम इसकी हाइट कर देते हैं 120 पिक्सल्स और ओके कर देते हैं सेम. ओके इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमें चाहिए एक और लेबल जो कि इस इमेज के नीचे एक्चुअली टेक्स्ट डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होगा. तो मैं इस लेबल को यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ. ओके और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमें सेट करनी है. पहली प्रॉपर्टी तो ये कि हमें इसका फॉन्ट साइज चेंज करके कर देना है 18 पिक्सल्स का, और इसका जो फॉन्ट कलर है वो हम कर देते हैं वाइट ताकि टेक्स्ट इस पे प्रोमिनेंट हो सके. और उसके बाद ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो टेक्स्ट है सिंपली फिल वक्त हम इसे इन्फो में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि लेटर ऑन ये टेक्स्ट रिप्लेस हो जाएगा उस टेक्स्ट से जो कि सिलेक्टेड प्लेस के बारे में हमने पहले से इंसर्ट किया होगा, सेव किया होगा. ओके दिए स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पर कुछ इमेजेस अपलोड करने हैं. आप जितने इमेजेस चाहें अपलोड कर सकते हैं, आप जितनी प्लेसेस इसमें ऐड करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त हम सिर्फ दो प्लेसेस इसमें ऐड करेंगे, नारान और कागान. तो हम अपलोड फाइल के इस बटन पर क्लिक करते हैं और ब्राउज करके हम डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास अमेजिंग प्लेसेस के नाम से एक फोल्डर मौजूद है. यहाँ पर कागान और नारान दो इमेजेस हमने स्टोर किए हुए हैं, तो मैं नारान पहले इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हम अपलोड होने का इंतज़ार करते हैं इसके, और फिर हम दूसरी फाइल यानी कागान को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं इसे भी. लीजिए डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो इंटरफेस है फ्रंट एंड से वो कंप्लीट हो चुका है. अब हम बढ़ते हैं अपने ब्लॉक सेक्शन की तरफ और देखते हैं कि हमें क्या कोडिंग यूज़ करनी है. लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा चलूं कि हमने यहाँ पर जो एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, इनमें से हर एक एलिमेंट एक मर्तबा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है जो कि दो मर्तबा इस्तेमाल हुआ है, लेबल वन और लेबल टू. तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेबल वन का नाम हमें चेंज कर देना, ताकि हम जब ब्लॉक सेक्शन में जाएँ तो हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कौन से लेबल को हमने कंट्रोल करना है, क्योंकि ये जो लेबल है जो कि इन्फो का टेक्स्ट जिस वक्त डिस्प्ले करवा रहा है, इसने इस्तेमाल होना है बहुत ज़्यादा टेक्स्ट डिस्प्ले करवाने के लिए. तो हम इसे रीनेम कर देते हैं पहले लेबल को, और इसे हम सिंपली नेम दे देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि हम इसे हॉरिजॉन्टल लाइन के तौर पे ही यूज़ कर रहे हैं. और दूसरा जो लेबल है इसे हम रीनेम कर देते हैं इन्फो के नाम से. ओके और अब हम जाते हैं अपने ब्लॉक सेक्शन में. सबसे पहले हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, अब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हमें सबसे पहले अपने उन तमाम प्लेसेस की एक लिस्ट क्रिएट करना होगी जिनके बारे में हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं. और लिस्ट कहाँ पे क्रिएट करनी होगी, एक्चुअली हम लिस्ट क्रिएट करेंगे एक वेरिएबल के अंदर. तो हम क्या करते हैं, सिंपली जाते हैं वेरिएबल सेक्शन में और एक नया ग्लोबल वेरिएबल इनिशलाइज करते हैं, और इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं इसका नाम दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल प्लेसेस. हम प्लेसेस इसका नाम रखते हैं और इस वेरिएबल में हम एक लिस्ट को स्टोर करने वाले हैं. तो हम यहाँ पे लिस्ट सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं और मेक अ लिस्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, चूँकि हमें यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स की एक लिस्ट क्रिएट करनी है. तो आप यहाँ पे अगर मज़ीद लिस्ट आइटम्स ऐड करना चाहें तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं, आइटम को ड्रैग कीजिए और फिर ड्रॉप कर दीजिए. इस तरह से मल्टीपल आइटम्स आप ऐड कर सकते हैं. मुझे सिर्फ चूंकि दो ही प्लेसेस के बारे में डिटेल्स इंसर्ट करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे दो ही ब्लॉक्स यूज़ करने वाला हूँ. और यहाँ पे हमें डियर स्टूडेंट्स अपने इन दो लिस्ट एलिमेंट्स के नाम देने हैं, और इसके लिए टेक्स्ट ब्लॉक को मैं सिलेक्ट करता हूँ और एम्प्टी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ. ओके जो पहली हमारी प्लेस है उसका नाम है नारान, और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स मैं सिंपली इसे डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर इसे ऐड कर देता हूँ. और दूसरी जो हमारी प्लेस है उसका नाम है कागान. ओके अब इस तरह से हमारी एक लिस्ट क्रिएट होगी. अब डियर स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, एक्चुअली अगर हम डिज़ाइनर मोड में जाएं और देखें तो जब कोई शख्स इस लिस्ट को सिलेक्ट करेगा तब हमारे पास लिस्ट ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए. लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए, जब कोई शख्स इस लिस्ट को पिक नहीं करता, लिस्ट पिकर को सिलेक्ट नहीं करता, तब क्या होना चाहिए. एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये लिस्ट पहले प्रोड्यूस हो जानी चाहिए. ये जो हमने आइटम्स यहाँ पर ऐड किए हैं नारान और कागान, ये हमारी इस लिस्ट के अंदर पहले से सेव होने चाहिए, ताकि जब कोई शख्स लिस्ट पिकर को सिलेक्ट करे तो वहाँ पे ये वैल्यूज मौजूद हों. तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम डियर स्टूडेंट्स यहाँ से लिस्ट पिकर के एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है व्हेन लिस्ट पिकर वन डॉट बिफोर पिकिंग, यानी जब किसी ने इस लिस्ट को पिक नहीं किया होगा, यानी किसी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया होगा, ऑप्शन सिलेक्ट होने से पहले
क्या होगा जब लिस्ट पिकर पे क्लिक किया जाएगा, तो क्या एक्शन जो है वो परफॉर्म होना चाहिए। एक्चुअली रिसोर्स हम ये चाहते हैं कि उस वक्त जितने भी आइटम्स इस लिस्ट में मौजूद हैं वो पॉपुलेट हो जाएं, वहाँ पर लिस्ट में डिस्प्ले होने लगें। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि हम दोबारा से लिस्ट पिकर के इस एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से रिसोर्स हमें लिस्ट पिकर एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, सेट लिस्ट पिकर 1.एलिमेंट्स 2। यानी जब कोई शख्स इस लिस्ट को सिलेक्ट करे, यहाँ से डिज़ाइनर मोड में हम देखते हैं, जब इस पर क्लिक करे तो क्या होना चाहिए, इस लिस्ट के अंदर सारी आइटम्स ऐड हो जानी चाहिए। कौन से आइटम्स ऐड हो जानी चाहिए, जो कि हमारे इस ग्लोबल वेरिएबल प्लेसेस के अंदर मौजूद हैं। तो हम यहाँ से इस गेट ब्लॉक को फेच करके यहाँ पे अटैच कर देते हैं। ओके, अब इस तरह से हमारी लिस्ट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो आप जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर ऐड करेंगे इस ब्लॉक की वजह से, वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स या लिस्ट आइटम्स जो हैं डिस्प्ले होंगी ऐप यूजर को, जब वो लिस्ट पिकर को सिलेक्ट करेगा। ओके, ये काम तो हो गया जब यूजर ने कोई लिस्ट आइटम सिलेक्ट नहीं की, पिक नहीं की। अब जब यूजर कोई लिस्ट आइटम सिलेक्ट कर लेता है तो क्या होगा, तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम दोबारा से लिस्ट पिकर को सिलेक्ट करते हैं और अब की बार हमें सिलेक्ट करना है जब लिस्ट में से कोई आइटम सिलेक्ट की जा चुकी हो। तो यहाँ पर देखिए, when list picker 1.afterPicking, जब इसे पिक किया जा चुका होगा तो क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें कंडीशन ब्लॉक यूज करना है कि अगर यूजर ने नारान की वैल्यू सिलेक्ट की है तो क्या होना चाहिए, अगर कागान की वैल्यू सिलेक्ट की है तो क्या होना चाहिए। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम जाते हैं अपने कंट्रोल स्ट्रक्चर में और यहाँ से सिंपली इफ देन के ब्लॉक को फेच करके यहाँ पर हम अटैच कर देते हैं। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन ये है कि अगर यूजर ने जो वैल्यू सिलेक्ट की है वो बराबर हो किसके, नारान के। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हम मैथ ब्लॉक में जाते हैं और यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास ये एक ब्लॉक है जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ को इवेल्यूएट कर सकते हैं। तो हम इसे कंडीशन ब्लॉक में यहाँ पे लगा देते हैं इफ के अंदर। हम ये कहते हैं कि अगर लिस्ट पिकर की सिलेक्टेड वैल्यू बराबर हो नारान के, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमें एक ब्लॉक फेच करना है और वो ब्लॉक कौन सा है, वो ब्लॉक है लिस्ट पिकर डॉट सिलेक्शन का। तो हम दोबारा से लिस्ट पिकर आइटम को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास लिस्ट पिकर डॉट सिलेक्शन का एक ब्लॉक है जो कि हमने सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसकी बेस पर हम ये डिटरमिन करते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट किया गया है। ओके, लिस्ट पिकर डॉट सिलेक्शन, और इसे हम यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर इस लिस्ट पिकर वन में से जो सिलेक्शन की गई है वो बराबर है किसके बराबर है, अब हमें ये टेक्स्ट ब्लॉक दोबारा से चाहिए। तो मैं सिंपली इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ ला के मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ। ओके, अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास दो चीज़ें हैं जो हमने कंट्रोल करनी है। हम डिज़ाइनर मोड में देखते हैं, एक तो हमारा इमेज जो है वो नारान का इमेज शो होना चाहिए और टेक्स्ट में एक्चुअली मैंने कुछ टेक्स्ट नारान और कागान के हवाले से पहले से कॉपी करके रखा हुआ है। मुझे ये टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है अकॉर्डिंगली सिलेक्शन के मुताबिक। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपने इमेज को सेट करते हैं। तो हम कहते हैं कि जो हमारा इमेज वन है इसकी पिक्चर को सेट कर दो, सेट इमेज वन डॉट पिक्चर। अब यहाँ पे हमारे पास सेट इमेज वन डॉट पिक्चर टू का एक ब्लॉक है, हम इसे यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो फिर हमारी पिक्चर को सेट कर दो किसके बराबर। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि हमारी जो मीडिया लाइब्रेरी है इसमें अगर हम स्क्रोल डाउन करें, एक इमेज है नारान की और एक है कागान की। तो अगर नारान को सिलेक्ट किया गया है तो हमारा इमेज कौन सा होना चाहिए, नारान डॉट जेपिक। तो मैं इस टेक्स्ट ब्लॉक को यहाँ से दोबारा से डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ। हमारे इमेज में चूंकि नारान का जो एन है वो लोअर केस में है तो हम कहते हैं नारान डॉट जेपिक लीजिए। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आपको याद है एक लेबल था जिसका नाम हमने इन्फो रखा था और इस इन्फो की जो टेक्स्ट वैल्यू है वो हमें चेंज कर देनी होगी। तो हम कहते हैं इन्फो डॉट टेक्स्ट टू, सेट इन्फो डॉट टेक्स्ट टू, यानी इस इन्फो डॉट टेक्स्ट को सेट कर दो किसके बराबर, सेट कर दो। हम यहाँ पर एक टेक्स्ट ब्लॉक ऐड करेंगे। दोबारा से मैं इसी ब्लॉक को कॉपी कर लेता हूँ, डुप्लीकेट करके यहाँ मैंने प्लेस किया और यहाँ से एक्चुअली मुझे ये सारा टेक्स्ट कॉपी करना है। हम यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, तो मैंने इसे कॉपी किया, नारान वाला सारा टेक्स्ट कॉपी हो गया और यहाँ सेलेक्ट करके मैं इसे सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये सारा टेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट्स पेस्ट हो चुका है। अब मुझे दूसरी कंडीशन की तरफ चलना है कि अगर यूज़र ने नारान के जगह कागान को सिलेक्ट किया हो तो क्या होना चाहिए। ओके, इसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे अपना जो इफ देन का ब्लॉक है इसकी सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे हम एल्स इफ का एक ब्लॉक फेच करके यहाँ ज्वाइन कर देते हैं। यानी अगर दूसरी कंडीशन पूरी हो रही है, और दूसरी कंडीशन क्या है डियर स्टूडेंट्स, हम इस पूरे ब्लॉक को यहाँ से डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ ला के एडजस्ट कर देते हैं। अब हमारी दूसरी कंडीशन ये है कि अगर सिलेक्टेड वैल्यू नारान नहीं बल्कि कागान हो, तो हम इसका नाम चेंज कर देते हैं और चेंज करके कर देते हैं कागान। अगर ऐसा हो तो फिर डियर स्टूडेंट्स ये ब्लॉक भी हमें चाहिए पूरा का पूरा, तो मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ
और डुप्लीकेट करके यहाँ ला के एडजस्ट कर देता हूँ। और अब की बार हमें दूसरी इमेज जो है वो चाहिए होगी, वो है कागान डॉट जेपेक की, तो हम इसका नाम चेंज कर देते हैं और कर देते हैं कागान डॉट जेपेक लीजिए। और ये ब्लॉक भी हमें चाहिए जो कि हमारे टेक्स्ट को कंट्रोल कर रहा है, तो मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ और डुप्लीकेट करके यहाँ पे ला के डियर स्टूडेंट्स हम इसे एडजस्ट कर देते हैं। और जो कागान से रिलेटेड टेक्स्ट जो मैंने पहले से कॉपी करके रखा हुआ है, मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ ला के इस पूरे टेक्स्ट को डिलीट करके इसे पेस्ट कर देता हूँ। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, हमारी ऐप फाइनलाइज हो चुकी है और अब बढ़ते हैं इसकी टेस्टिंग की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये इंटरफेस हमें दिखाई दे रहा है। हम अगर सिलेक्ट अ प्लेस के इस लिस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हम किसी भी आइटम को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट से मैं कागान को सिलेक्ट करता हूँ और आप देख रहे हैं कि कागान की तस्वीर और उसकी डिटेल्स बिल्कुल प्रॉपरली हमें दिखाई दे रही है। तो अगर इस वीडियो के हवाले से आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए।